इस स्कूल में अचानक कहीं से हाइना घुस जाता है, जिससे डर से सभी बच्चे भाग के अपने क्लास में चले जाते हैं। लेकिन बाथरूम में गई तीन लड़कियां बाहर आती है जो हाइना के खतरे से अनजान थी। तभी हाइना की नजर उन तीनों लड़कियों पे पड़ती है। हाइना को देख तीनों लड़कियां डर जाती है, क्योंकि हाइना भूखा और काफी खतरनाक था, जो अब दौड़ते हुए उन लड़कियों की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी दीवार फांद कर एक आदमी आता है, जो हाइना की तरफ जाल फेंक के हाइना को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये कोशिश नाकाम हो जाती है, इसलिए आदमी को हाइना से दूर भागना पड़ता है। वो जल्दी से एक बास्केट बॉल के पोल पर लटक जाता है, जहां से वो हाइना से बच सकता था। लेकिन हाइना के हमले से बचने के बाद उसका हाथ बास्केटबॉल के पोल से छूट जाता है। अब हाइना वापस हमला करता, उससे पहले आदमी ने पेड़ की मोटी सी टेनी तोड़कर उससे हाइना के मुंह पर दे मारा, जिसे हाइना थोड़ा सा घायल हो जाता है। इसलिए आदमी ने उन लड़कियों को बाथरूम के अंदर जाने को कहा, लेकिन तभी हाइना ने आदमी पर हमला कर उसे गिरा दिया। लेकिन हाइना उसे मार पाता, उससे पहले आदमी ने उसके मुंह में लकड़ी डाल दी।